लैंड में आप सभी का आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल हीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, आज जैसे पता है आज गणेश जी का दूसरा दिन है। चलिए देखते हैं उनका संदेश हमारे लिए क्या है। चलिए शुरू करते हैं। ओम गण गणपति आय नमः, ओम नमो नारायण, ओम साईनाथाय नमः। देखते हैं आज गणेश जी का संदेश हमारे लिए क्या है। जनरल रीडिंग है, उसी तरह लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं आज संदेश क्या है। फर्स्ट कार्ड हमारा निकल गया है, किंग ऑफ अर्थ। दूसरा कार्ड देख लेते हैं, जनरल रीडिंग है गाइस, उसी हिसाब से लीजिएगा। दूसरा कार्ड आपका रिवर्स में आया है, किंग ऑफ एयर। तीसरा कार्ड पेज ऑफ अर्थ, पेज ऑफ एयर, द मून एंड सेवन ऑफ अर्थ। चलिए गाइस आज देख लेते हैं यही कार्ड्स हमारे आए हो, आप लोग को दिख रहे हो ठीक से। चलिए देख लेते हैं आज गणपति बप्पा का हमारे लिए क्या संदेश है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले तो आज मैं बोलूंगी कुछ लोगों में कॉन्फिडेंस रहेगा और कुछ लोगों के लिए नहीं होगा। जिनके लिए नहीं, उनको वैसे भी समझ में आ गया होगा क्योंकि आज उनको अजीब सी एंजाइटी फील हो रही होगी। बात रीज़न भी उनको भी समझ में नहीं आ रहा होगा क्या रीज़न है, क्या कारण है हमें जो एंजाइटी फील हो रही है। कॉन्फिडेंस लूज रहेगा कुछ लोगों का, कुछ लोगों का तो बहुत ज़्यादा रहेगा ऐसा दिख रहा है, और कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत लूज रहने वाला है। दूसरी चीज़ ये दिखा रहे हैं, रिवर्स में कार्ड आया है तो नेचुरली यही बताता है कि जो भी आप काम करें सोच समझ के आगे बढ़िएगा, सोच समझ के आगे काम करिएगा। अदरवाइज हो सकता है फ्यूचर में उस काम के कारण आप अटक जाएं। कुछ लोगों के लिए जो गुड न्यूज़ की काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे आज मिल जाएगी उनको, खुश रहिए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी रहेगी उन लोगों में और बहुत खुश रहेंगे। रीज़न ये कि उनको जो वो चाह रहे थे, हो सकता है गोल जो अचीव करने वाले थे कर चुके हों, या उनको उस चीज़ के लिए न्यूज़ मिल गई हो जिस चीज़ का वेट कर रहे थे। कुछ लोग का मैं ये बोलूँगी कि काफ़ी टाइम से जो डिप्रेशन में है, एंजाइटी हो रही है, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है गाइस। आपके अपने ने ही आपके संग धोखा किया है जिसके कारण आपको एंजाइटी हो रही है और बहुत डिप्रेशन में चले गए हैं। ब्रेकअप हो सकता है, हो गया होगा कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये जो समय है आपको अपने लिए खड़े होने का समय है, सेल्फ लव का समय आ गया है। आप अपने लिए खड़े होइए, अपने पैरों पर खड़े होइए और डिसीजन खुद लीजिए। डिसीजन लेने का समय आ गया। अभी तक तो आप न चाहते हुए भी दूसरों की बातें सुनते थे और उनके डिसीजन में हाँ मिलाते थे, लेकिन अब ये समय चेंज हो रहा है। आज अपना डिसीजन आज आपको खुद लेना है तो ही आपको फायदा होगा। अगर आज आप चूके तो आगे जाके भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आज आपको अपने डिसीजन खुद लेने हैं और अपने ही दोस्त यार कलीग या फैमिली मेम्बर जिनको आपको पता है कि ये नुकसान पहुंचा सकते हैं तो बिल्कुल पहुंचा सकते हैं आज वो लोग, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लोगों का मैं बोल रही हूँ बार बार, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज रहेगा, लेकिन अपने दिल की बात सुनिएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने दिल की बात सुनिएगा, ईश्वर को याद रखिएगा, अपने गुरु को याद करिएगा, सब ठीक हो जाएगा। चलिए देखते हैं गणेश जी का क्या संकेत है, क्या बता रहे हैं।
आप अपनी जो भी निगेटिविटी है अपने अंदर की, उसको रिमूव करिए सबसे पहले। बहुत लोगों का हो सकता है अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट हो किसी चीज को लेके, उस गलत फहमी को दूर करना है। दूसरी चीज, यदि आपको ईगो आ रहा है किसी चीज से, हो सकता है आज जैसे मैंने बोला कुछ अचीव करने वाले कुछ लोग थे, रिजल्ट आने वाला था, अचीव कर लिया है, तो ईगो मत गाइस आने दीजिएगा। अदरवाइज जितनी तेजी से ऊपर गए उससे भी तेजी से नीचे आएंगे। गणेश भगवान का बहुत क्लियर संदेश है, अपने अंदर की निगेटिविटी को रिमूव कर दीजिए ताकि उसके अंदर फिर वो जगह पॉजिटिविटी की बने और पॉजिटिविटी उसके अंदर आए। अपने लिए खड़े होइए, अपने लिए लड़ना सीखिए। आज आपका दिन है, आप अपने लिए आवाज़ उठाइए। हो सकता है काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ों को लेके आप दूसरों की बातों में हाँ में हाँ जैसे मैंने बताया लगा रहे थे। अपने लिए कहने का समय आया है सामने वाले को नो। अपने लिए सोचिए, आज सेल्फ लव की आपको जरूरत है, जो सही है उसी पे अड़े रहिए, आगे जाके ये आपको बहुत काम देने वाला है। गणेश भगवान का बहुत क्लियर संदेश। तो आई होप आप लोग को रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बेल बटन गाइस जरूर दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप लोग को मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।